अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। ईद का समा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा का सफ़र तय करते हुए आज हमने ईद का समा बांधा है, तो चलिए आइए मिलकर खुशियाँ बांटते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको मिलवाती चलूँ अपने आज के खास मेहमान से जिनके साथ हम ईद सेलिब्रेट करें। आज हमारे साथ हैं फोक सिंगर जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक है। मैं बात कर रही हूँ ज़ीशान रोकड़ी साहब की। आज हमारे साथ है ज़ीशान रोकड़ी साहब। आज हमारे साथ है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट समर डिजिटल के जीएम मिस्टर मोहम्मद आसिम सिद्दीक। आज इनसे भी बातें करेंगे और समर डिजिटल की कामयाबी का राज जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब, आप तशरीफ़ लाए, और ज़ीशान साहब आपका बतौर ख़ास कि आपने इस अहम दिन में, अहम वक्त में, आपने कीमती वक्त में से आप यहाँ पर ईद में हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर एक तो सबसे पहले हमारी तरफ से, समा डिजिटल की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को चूँकि ये मीठी ईद है, तो इस मीठी ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए यहाँ ज़ीशान साहब मौजूद हैं। अपनी जो इनके गाने हैं, जो उसका पस मंज़र होता है, जो इनकी आम ज़िंदगी है, जो भी बातें हम इनसे कर सकते होंगे वो भी करेंगे, और साथ ही साथ जो इनके गाने हैं वो भी ये ज़रूर सुनेंगे इनसे। और ये जो आप सेशन है ना, ये वाला प्रोग्राम का जो वक्त आपका, ये यकीनी तौर पर आपकी आपकी ईद की खुशियों को दोबाला ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक। ज़ीशान साहब आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया सबसे पहले, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये मीठी ईद है बिल्कुल, और आपकी इस मीठी ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए, ताकि ये आपको अगली ईद तक तो कम अज़ कम ज़रूर याद रहे, वैसे मेरा ख्याल है कि उससे अगली आने वाली ईदों में भी याद रहेंगी, तो ये आज ज़ीशान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका सबसे पहले तो शुक्रिया भी हमने अदा किया, और ये यकीनी तौर पर आपकी इस ईद की खुशियों को दोबाला भी करेंगे, और इस मीठी ईद में मज़ीद मीठा इनके जो सुरीली आवाज़ है, जो इनके गाने हैं, वो उसमें ज़रूर करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है, ज़रा सुनते जाएं कि आज जैसे हम मिलकर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं बताती चलूँ कि जी मेरे पास एक पर्स है ना, ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से ईदी कब आएगी। तो जनाब आपने तैयार रहना है, मुझे आपसे ईदी चाहिए। रमज़ान के पूरे महीने में आपने वादा किया था, तो ईदी तो बनती है। ये क्यों हो, ईद के दिन ईदी ना मिले तो ईद पूरी कैसे होगी? ये तो जनाब इमरान साहब आपने तैयार रहना है, सीरियस ईदी तो है ना, वो इस बैग, इस पाउच का इंतजार करिए, इसमें आपने बस ईदी डाल देनी है, काउंट में बाद में कर लूंगी। सीरियस है आप? जी 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 बिल्कुल सीरियस है। आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं वैसे, ये आपको लगता है मैं मजाक कर सकती हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि वो ईद का समा है, हम खुशियाँ बांट रहे हैं। अच्छा चलिए, आपने रमज़ान में भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और जैसा आपने कहा कि ये बरकतें और रहमतें समेटियाँ हैं अल्लाह की रहमत से हमने, तो अब हम ईद का समा में हैं तो खुशियाँ बांट रहे हैं, तो अगर आप समझती हैं कि वाकई आपको खुशी की ज़रूरत है और खुशी आप चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ नया करता हूँ फिर, ठीक है? ये लें जी, कोई नई टेक्निक चल रही है, ये लें, ये निकाले ना, ये ले जनाब, आपने मुझे कार्ड ही पकड़ा दिए, ये ले आपका जितना दिल करता है, पता चले इनमें हो ही ना कुछ, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं तो अब नहीं, मेरे ख्याल से कैश ठीक है, वो सेफ रहता है। देखे ना ये, देखे सर कैश ठीक है, देखे वो सेफ रहता है। आपका दिल करे अभी जाएं आप ले लें, ये क्या पता चले कार्ड में कुछ भी ना हो। मैडम ऐसा हो सकता है भला? इमरान साहब मुझे तो डाउट हो गया है, मुझे तो डाउट हो रहा है। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, चले मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, हम ज़ीशान साहब से इनका फेवरेट गाना सुनते हैं, ईद का मौका है तो इसका फेवरेट गाना सुनते हैं, लेकिन तब तक आपको भी टाइम देती हूँ। अच्छा, सोच लेने की तैयारी करें, सोच लेने का, कैश की तैयारी करें। अच्छा ज़ीशान साहब, गाना तो सुनते ही सुनते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। खैरो जी, कैसा, कैसी गुजरती है ईद? और एक गुलकार के लिए, चूंकि रमज़ान में हम ईद की तैयारी भी करते हैं, गुलकार दोहरी तैयारी भी कर रहा होता है, क्योंकि ईद के ऊपर लोग सुनने वाले इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अस्सलाम वालेकुम जी, और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, तमाम आपके चाहने, आपके समा को देखने वाले, माशाल्लाह आपके ट्रांसमिशन को देखने वाले। और बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि ईदों पे ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि जिसमें लोग चाहते हैं कि जो सिंगर हैं, सिंगर हजरात हैं, किसी और फील्ड में हैं, वो अपना अपना काम खुशी का मौका होता है दिखाएँ, उनको लोग सुन सकें, इंजॉय कर सकें, तो हम भी ऑडियो में, वीडियो में, टीवी चैनल्स पर कोशिश करते हैं काम जब आते हैं रमज़ान में, तो ईद इसी तरह गुजर जाती है, और ईद आगे फैंस के साथ गुजरती है हमारी। ये जो ईद के हवाले से तैयारियां होती हैं, जिसमें अगर कोई आपने गाना रिलीज़ करना है, तो इसमें किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं कि लोग चूंकि घरों पर होते हैं, अगर वसेब से हैं तो लोग वापस पहुंचेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, अपने घरों को वापस आएँगे 5-5, 7-7 दिन, तो वो तो टिकटॉक का ज़माना है, जो आपने ईद के दिन रिलीज़ किया, अगले 3 दिन आपको वो जगह जगह नज़र आना है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं?
देखिए जी, आजकल बिल्कुल आपने कहा कि सिर्फ टिकटॉक नहीं है, और ऐप्स इतनी आई हुई हैं कि आपको मेहनत, आप क्योंकि आप कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि कोई बंदा किसी गांव में या किसी पहाड़ी इलाके में, ऐसी जगह जहां भी बैठा हुआ है, अगर उसने कुछ भी आवाम के सामने लाना है तो उसके सामने मोबाइल मौजूद है, नेट मौजूद है, वो अपनी चीज़ को पेश करता है। तो कोशिश अब यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ पेश की जाए। परदेशियों के लिए भी पेश करते हैं, अपने लोगों के लिए, मुल्क के लिए करते हैं। तो और इसके अलावा सिर्फ ऑडियो का ये है कि अच्छे ऑडियो की तैयारी, अच्छे स्टूडियो का इंतखाब, वीडियो में अच्छे लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अच्छा काम करके देना इसलिए ज़रूरी हो गया सर कि यही सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से कि अब पूरी दुनिया की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो आम बंदा है वो भी देख रहा है, वो ऑडियो का भी रिजल्ट सुन रहा है और वीडियो का रिजल्ट भी देख रहा है। तो हमें इसमें मेहनत करनी पड़ती है और ये टाइम हमारे पास होता है कि हम इन दिनों में अपना काम मुकम्मल करें और ईद पे हम मुकाबले की फिजा बढ़ चुकी है। बुशरा जी, हॉट सीट पे कौन है? बिल्कुल हॉट सीट पे आज जनाब हमारे साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीक मौजूद हैं, जो कि जर्नल मैनेजर समा डिजिटल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं सर आप? ईद मुबारक आप दोनों को, ईद मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसी गुजरी? कैसी गुजरी? नहीं नहीं, इनका ईद को छोड़े, रमजान कैसा गुजर रहा है? नहीं नहीं, रमजान कैसा गुजर रहा है? रमजान कैसा गुजर रहा है? मुझे सही लग रहा है कि मैं हॉट सीट के ऊपर बैठा हूं। मुझे सवाल आते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। जिशान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 30 डेज में इन दोनों ने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की, माशाल्लाह, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह से पिज़राई मिली। व्यूज़, वॉचर्स और लोगों का जो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था ट्रांसमिशन के ऊपर, आई थिंक थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू होल द मैनेजमेंट। मैं सबसे पहले अलीम खान साहब जो, एंड देन आफ्टर दैट हमारे CEO चौधरी अक्रम साहब, और इन सब लोगों ने जिस तरह से उसको बिल्डअप किया। आम आवाम यकीन करें, 4 बजे जब हम उसको लाइव जाते थे तो तीन टेलीफोन लाइंस होती थी, बजना शुरू हो जाती थी, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे कमेंट्स, तो पता चल रहा था कि हम लोग एक माशरे के अंदर एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव। आसिम साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान तक था या इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आया? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट था, मतलब हमें न्यूजीलैंड से कॉल्स आ रही थी, हमें साउथ अफ्रीका से आ रही थी, हमें सबसे ज्यादा UK से कॉल्स, न्यूयॉर्क, कनाडा, यस यस यस, और जहाँ पर भी पाकिस्तानी थे या मुसलमान थे, हमें इवन इंडिया से कॉल आई। और देवर लाइक इस तरह की डिबेट बहुत कम होती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमने हर तरह के लोगों को बुलाया, सोशल, यस यस यस। आपको सर मुबारक सबसे पहले, और आपकी सारी टीम को मुबारक इस बात में, मुझे पता चला है माशाल्लाह, और समान नंबर 1 पे है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। अल्लाह ताला इसको आपकी आपकी मेहनत की वजह से, सबकी मेहनत की वजह से कामयाबी हो रहा है। ये जो नंबर 1 है, और अगर कहा जाए कि ईद के लिए आपने क्या नंबर 1, लोगों की ईद को नंबर 1 बनाने के लिए क्या है? ईद पे आपने कोई गाना अपना? मैं बिल्कुल जी चाहूंगा कि आज मैं आया हूँ आपके पास, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने बुलाया है सबने, तो क्योंकि जो अभी मेरा गाना आ गया ईद पे, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको, आपके आपके जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, आपके प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो सब सुन पाए ईद पे। पूरे पाकिस्तान के लिए हम एक नया सॉन्ग आपको सुना, जरूर निशान पे, क्यों नहीं, जरूर बुलाई नहीं, चलिए जी इसका समा बांधते हैं, गाना सुनाइए ईद का। शहजादे हो गए दीवाने।
कोशिश होती है कि आवाम की जो सुनते हैं उनकी तर्जुमानी हो सके, तो कोशिश उसी में करते हैं, तो कुछ दर्द हो सकते हैं, यानी दिल टूटा है तभी इतना जो है ना सुर जो है वो अच्छा है आपका। बस मालिक रहम रखे जी, दिल ना टूटे किसी का, दिल किसी का, यानी कि आपने तोड़े हैं दिल फिर जी, हो सकता है अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए, आपके लिए भी। जवाब सही नहीं मिल रहा, समझ जाते हैं यही, आप, समझ आपका गए, चैनल देख देख के हम सियासी भी हो चुके हैं। निशान साहब, जिस लैंग्वेज के अंदर ये गाना गाया है उसकी एक वैसे ही बहुत तासीर है, और जब आपने बोल लिया ना तो यही डिस्कशन थी कि ये क्या कोई गमगीन गाना होगा, लेकिन ये कहीं से भी गमगीन नहीं लग रहा, मतलब एक खेलना है अपने मोहब्बत के साथ, रौनक वाला गाना था, रौनक वाला गाना। अच्छा, ये जो जैसे आसिम साहब जुबान की आपने तासीर की बात की है, ये जो समर डिजिटल की तासीर है, हाँ जी, इसका जरा बताएं इसके पीछे क्या राज क्या है। हाँ जी, अब इसके पीछे राज आप लोग 6 महीने पहले की कहानी बताएं और अब की बताएं। आई थिंक हमारी जो चेयरमैन साहब और हमारी जो टॉप की मैनेजमेंट है उनका हमारे पे ट्रस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है आप कोई आइडिया लेके जाते हैं उसको इनकरेज किया जाए। शान साहब, अगर आप इनक्यूबेटर ही आपका ठीक नहीं है ना तो आप आगे नहीं लेके चल सकते चीज़ों को। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी टैलेंटेड लोग थे उनको मौका दिया गया और उन्होंने परफॉर्म किया माशाल्लाह। एजुकेशन लेने के बाद उसको जब तक आप यूटिलाइज नहीं करते चीज़ें, उसको आप रिजल्ट्स नहीं आते। हमारी पूरी टीम यंग थी, उन्होंने नए नए आइडियाज़ पर काम किया, मेहनत की और टेक्निकली प्ले किया। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। अब अभी भी खोल लें आपको प्रोपोगेंडा न्यूज़ मिलेगी, आपको दूसरी ज़्यादा झूठ मिलेगा। वो एक इमेज जो थी वो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन समा डिजिटल ने 6 महीने पहले जीरो से स्टार्ट किया,
स्क्रैच से स्टार्ट किया, जोर का जोर से स्टार्ट किया, और अब आप देखिए ऐसे टॉप नॉच प्रोग्राम था समर डिजिटल के, कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया चैनल को अगर आप देखें तो समर डिजिटल हैज टॉप्ड एवरी अदर चैनल। अदादो शुमार वैसे क्या बताते हैं, स्टैट्स ऑफ फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजें तो मैं रखूंगा हिडन, कॉन्फिडेंशियल है, बट कुछ चीजें हैं जो सब देख सकते हैं। वी हैव बीन टॉपिंग द यूट्यूब चार्ट्स फॉर लास्ट 4 मंथ्स, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और हमारी जितने भी प्रोग्राम्स है दे आर गेटिंग वेरी गुड ऑडियंस, नॉट विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप जाएँ तो जितने भी कंट्रीज हैं आपके अराउंडिंग, इंडिया, यूके, यूएसए, गल्फ, आपको वहाँ पर हमारी तगड़ी ऑडियंस मिलती है। उसी को जहन में लाते हुए हमने प्रोग्रामिंग की, उनको उसी तरह का कंटेंट फीड किया, और जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें रिस्पॉन्स बड़ा इमीडिएटली मिला। हम लोग, मेरी अपनी एजुकेशन इसी फील्ड के अंदर थी, मैंने पीएचडी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो मैंने जो चीज़ सीखी थी वो अपने काम के अंदर, वो ये था कि ये सोशल मीडिया इज़ अबाउट ह्यूमन स्टोरीज, आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के इश्यूज़ कैसे ला सकते हैं। ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी एक बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आपको न्यूजीलैंड से खातून कॉल करके अपने घर के मसलों के बारे में पूछ रही है, कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रही है कि हमारे पास वो हम है कि वो हम पे इतना ट्रस्ट कर सकती है, कि हमने बेसिकली वन मिशन को लेके चले हैं, ऑर्गेनिक डिबेट थी, और सब ने वो सोशल टैबूज को ब्रेक किया, वो शैकल्स को ब्रेक किया, और वो जो बोल्ड कंटेंट के ह्यूमन इश्यूज थे वो समर डिजिटल ने जो है हाईलाइट किए, और आप देखें कि वी ऑल आर फैमिली, हर कोई अपने इश्यूज को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। जैसे आपने मिशन की बात की है जिशान साहब, जी सर, गायकी आप करते गाते हैं, इसमें भी कोई मिशन होता है जब आपको गाना लिख रहे हैं, कोई मकसद तो होता ही होगा ना, कि आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जहन में होता होगा कि हदफ क्या है। बिल्कुल जी, असल में तो अब देखा जाता है कि ये दौर कौन सा चल रहा है, और क्या चीज़ इन है, और लोग किस तरह का म्यूज़िक चाह रहे हैं, किस तरह की वर्डिंग चाह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह शायर हजरात मौजूद हैं, और मियाँ वाली के शायर माशाल्लाह मशहूर रहे हैं, जिसमें आडा खान बेवस साहब हैं, फारूक रोखड़ी साहब हैं, मज़हर नियाजी साहब हैं, साबिर भरेओ साहब हैं, हम सरायकी से आप शाकिर शुजा आबाजी साहब को माशाल्लाह आप बेहतर तरीके से जानते, सरायकी में जो है, तो वो भी जो शायर हजरात हैं जो हमें लिख के देते हैं, सर नासिर जमशेद साहब हैं, तो वो लिख के देते हैं, वो भी अवाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, और कभी हम कोई वर्ड ऐसा कह देते हैं उनको कि सर हमें इस चीज़ पर गाना चाहिए, हमें इस माहौल में गाना चाहिए, हमें परदेसियों पर गाना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसी चीज़ करना, तो वो हमें उस मुताबिक हमें लिख के देते, फिर आगे कंपोज हो जाते हैं। ठीक है, ईद कैसे गुजरती, कैसे ईद के दिन कैसे गुजरते हैं? क्योंकि सर ईद तो आपके साथ ही गुजर रही है, और वैसे हम मेरा गांव, हम जो मियाँ वाली से हैं सर, तो क्योंकि ईद से पहले तो हम इस्लामाबाद या लाहौर में अपना टाइम हमारा गुजरता है ज़्यादा, मियाँ वाली अपने इलाके में जाते हैं, वहाँ पर फैमिली से मिलना, दोस्तों से मिलना, रिलेटिव्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे जो आपको पता है कि वीडियो क्योंकि आजकल बहुत आम हो चुकी है टिकटॉक और ऐप्स की वजह से, तो जो प्यार करने वाले होते हैं, फ़ैन होते हैं, वो आते हैं, वीडियो तस्वीर, इसमें दिन गुजर जाता है। अच्छा, बहुत जो वायरल हो जाती हैं, आपके दोस्त भी आपको आपकी वीडियोज़ वापस भेजते हैं? जो बनाते हैं वायरल होती है, वायरल तो हम वैसे ही देख लेते हैं। आपने जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाई हैं एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ जो काफी वायरल हुई हैं, उसके हवाले से बताएं, जब आपके पास वो आती हैं घूमते फिरते हम जी जब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना जी, एक ऑफिशियल अपना उसके लिए, यूट्यूब के लिए, अपने चैनल के लिए, तो उस टाइम हम सब इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी जो मॉडल्स हैं, जो हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं, तो फिर वो कोई ना कोई, वो भी टिकटॉक पे होते हैं, हम भी होते हैं, फिर अपना गाना गा के वो एंजॉय करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होती रहती हैं। तो ये बताएं इन सब वायरल कंटेंट पे, वायरल कंटेंट पे आपकी बेगम बुरा नहीं बनाती? मेरी जी बेगम को क्योंकि जब शादी हुई है तो उनको बेहतर तरीके से मेरी फील्ड का पता था, उससे पहले भी मैं इसी तरह मेरी वीडियोज़ थी, चाहे टिकटॉक हो, टिकटॉक मौजूद थी जब शादी हमारी हुई, तो टिकटॉक तो मेरे फॉलोअर्स भी माशाल्लाह ठीक थे, 8.3 आई थिंक मिलियन उसके फॉलोअर्स होंगे, तो वो देखती थी और सब पता था पहले से, तो उनको पहले पता था कि इनका काम है ये करना है। तो इतनी जल्दी शादी का फैसला कैसे किया, कम उम्र में शादी किया आपने? नहीं, मेरी माशाल्लाह अच्छी उम्र है, आपको लग नहीं रहा होगा ये आपकी आंखों का कमाल है। मेरी उम्र माशाल्लाह ठीक है, शादी हो जानी चाहिए थी। शादी की उम्र थी, अभी मैंने ना जरा जवाब घुमा फिरा दिया, क्योंकि शायद इनकी बेगम देख रही है। समझ गया, कोई आपने अपनी बेगम के लिए लिखा?
तो ये गाना आपने किसके लिए लिखा था? गाने जी मैं सबके लिए लिखता हूँ, मेरी बेगम के लिए भी है और सब चाहने वालों के लिए, सबके लिए। ये हाफिज इमरान साहब ने बड़ा मुतराजा सवाल किया, किसी भी शादीशुदा भर से पूछेंगे ना तो वो कहेगा सब गाने में बेगम के लिए ही मैंने लिखा। कोई गाना सुना दे, फिर बेगम की वजह से सुनने वालों को नाराज भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी है। चलिए ये वाला गाना सुना दे जो आपने बेगम के लिए भी डेडिकेट किया है, तेरे बाजू हंसया नहीं जानता। तेरे बाजू हंसया नहीं मैं फेर ना आखी दसया नहीं। बिल्कुल जी, आपको सुनाते हैं तेरे बाजू, प्यारा सा सॉन्ग है, आपको सुनाते हैं। तेरे बाजू हसया नहीं मैं फेर ना आखी दसया नहीं मैं। तेरे बाजू हसया नहीं मैं फेर ना आखी दसया नहीं मैं। तेरे बाजू किसे
दसिया नहीं मैं फिर नाया की दसिया नहीं मैं होर किसे वल तकिया नहीं मैं फिर नाया की दसिया नहीं मैं तेरे बाजू हसिया नहीं मैं फिर नाया की दसिया नहीं मैं तेरे बाजू हसिया नहीं मैं फिर नाया की दसिया नहीं वाह 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 वंडरफुल वंडरफुल माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज है बहुत प्यारा है? गाना आपने गाया है ये जी हमारे डेरा इस्माइल खान के शायर हैं तेरे बाजू हसिया नहीं मैं जनाब जमशेद नासिर साहब हैं जिनका पहले मैंने जिक्र किया आपने जी उनका सॉन्ग बहुत शानदार शायर बहुत शानदार बहुत ही प्यारा शोरा हजरत से आप गुफ्तगु करते हैं बातचीत करते हैं गाने के लिखने के हवाले से कि किस किस्म बिल्कुल जी हम बैठते हैं उसके अलावा जो चीज हमने परफॉर्म करनी होती है उसको तैयार करते हैं तैयारी उसकी होती है लिखने में भी उसके अलावा गाने में भी परफॉर्म करें उसके म्यूजिक जब बनाने तक शायर हजरत इन्वॉल्व होते हैं उसमें ताकि उनको पता होता है कि उन्होंने लिखा हुआ है वो कौन सी फीलिंग चाह रहे हैं ठीक है तो उस माहौल से कंपोजिशन में भी वो साथ जी बिल्कुल बिल्कुल उसको अच्छा एक बड़ी गाने के मुताबिक बनाया गाने के मुताबिक आसिम साहब आप किसको याद कर रहे थे आपने गाना बड़ा एंजॉय किया नहीं याद अपनी वाइफ को याद कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए अगर गाना ये आपने बचा लिया इनका गाना मैंने बचाना था मैंने आपने मुझे थोड़ा सा बचाया ये पहुंच गए थे कहीं और आसिम साहब जब पहुंच गए थे ये वो अक्सर आप देखते हैं ना बॉयज वाले मीम्स ठीक है तो ये उसके ऊपर पूरा जाता है तभी तो उन्होंने अपनी बेगम को डेडिकेट किया शान साहब के वालिद साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका तो है ही है लेकिन जो उनका म्यूजिक था और जिस तरह से उन्होंने सराइकी और वसेब के अंदर जो काम किया है बहुत बड़ा नाम है उनका कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका कोई कलाम जो है ना मैं बिल्कुल आपके हुक्म की फरमाइश आ गई जी देखिए रोकड़ी साहब हाँ नहीं बिल्कुल मैं उनकी याद में भी मैंने किया था याद आऊं दिया ने वाह 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 मैं बिल्कुल वो आपको सुनाऊंगा जैसे मुझे ये बताइए आसिम साहब समाज डिजिटल ट्रेंड्स जो हैं वो इतने ट्रेंडिंग हो गए हैं इतने टॉप नॉच हो गए हैं कि अब तो जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो इस हवाले से आप क्या बात करेंगे आई थिंक इट्स अबाउट टाइम और अगर आप लोग हाँ लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक जिस तरह अभी रोकड़ी साहब ने बोला कि मेरे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और टिकटॉक और ऐप्स आपने सैटेलाइट या आपने टीवी का नहीं बोला ज़्यादा अब लोगों के पास टाइम नहीं है मैनेज करने का हर बंदा मोबाइल के ऊपर अपनी मर्जी से ड्रामास देखता है अपनी मर्जी का म्यूजिक सुनता है अपनी मर्जी की स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट देखता है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहा यस वो पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को देख रहा है और हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए और हमें उनको उस हिसाब से बिल्कुल चेंज सर आई है आपने देखी है कि कितनी चेंज आ चुकी हुई इस माहौल में भी और अब तो जरूरत है अब तो और आगे टाइम बढ़ रहे हैं तो लाजमी बात है टीवी चैनल्स को भी कुछ ना कुछ अपना जिस तरह आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस मामला में तो ये बेहतरी की तरफ हमारे यहाँ ये जो एक सोच है ना एक नेगेटिव सोच है ओवरऑल अगर आप देखें ना न्यूज मीडियम के अंदर तो आ जाती है ना कुछ बुरा ही सुनने को मिलता है ज्यादातर तो अभी वो चेंज होता जा रहा है डिजिटल मीडिया के क्योंकि लोग फेड अप हो गए हैं और अभी इंशाल्लाह आगे हमारे जो फ्यूचर प्लान है जो हमारी मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस है आई एम वेरी वेरी लकी कि हमारी जो टॉप की मैनेजमेंट वो बड़ी विजनरी है तो अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स है मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बताएं बताएं प्लीज देखिए कुछ चीजें टाइम पे सरप्राइज है हां जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोग नाज़रीन के लिए सरप्राइज है कि समर डिजिटल अगले जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन से जो है लेकर आ रहा है आप सबके लिए इसके साथ मुझे ये बताएं जब मैं बात करती हूँ रमजान का समा की तो थ्रू आउट द रमजान पीरियड जो चैलेंजेस थे जो मजे मजे के वाकियात थे जो सब कुछ था जरा बताइए ना आई थिंक बड़ा बेहतर होता कि अगर हम उसका ना एक प्रोमो चलाते जी जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी प्रोड्यूसर हमारी प्रोड्यूसर से सारा से कि प्लीज कुछ चीजें हमारे में हमने भी सरप्राइज रखे हैं ना ऐसा तो नहीं है कि हमने सरप्राइज लेकिन कुछ हमें भी जरा बताइए शेयर तो कीजिए इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज शान साहब और क्योंकि इसमें हमने जो सोशल इश्यूज उठाना होता है तो उसमें आपको एक मुआशरती जो जिम्मेदारी है उनको भी निभाना बड़ा ज़रूरी होता है ख्याल रखना उसका बहुत क्योंकि हमारा एक कल्चर है और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऑन एयर करनी होती जो कि हमारे एक मुआशरे के वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमारा शो स्टार्ट हुआ था तो हमने इन चीज़ों को पहले दिन से माइंड में रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिस तरह लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ वर्ड ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हमारी जो फीमेल ऑडियंस थी जो कॉल्स आती थी उसमें 90% वर फीमेल्स और जो इश्यूज थे आप यकीन करें हम परेशान होते थे कि पहले एक ज़माना था ऐसे 5 साल पहले भी हम ट्रांसमिशन करते रहे
तो वो सवालात में और अब के सवालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को बच्चों की परवरिश से रिलेटेड ज़्यादा इशूज़ थे। फिर हमारा जो पैनल था, जिस तरह साहिल अदीम साहब थे, मुफ्ती सखावत साहब थे, कारी साहब थे, फिर 50 के करीब हमने गेस्ट्स को बुलाया, हर सेगमेंट से, हर सेक्टर से, MNAs, MPAs, पॉलिटिशियंस, पुलिस, कोई हमने सेगमेंट छोड़ा नहीं। तो एवरीबॉडी वॉज ग्लूड टू इट। हर बंदा समझता था कि ये वो एक जगह है जहाँ पे हमें सब लोग मिलेंगे और हम सबसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, अगर आपका एक दूसरे के साथ रابطہ नहीं हो सकता, अगर अवाम के साथ आपका नाता टूट गया तो आपका वो आपका एक फेल स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा 30 डेज की एक सक्सेस स्टोरी गुजरी, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने हमें उसके ऊपर शाबाश भी दी और उसी को फोकस रखते हुए फ्यूचर हमारे प्लान्स भी कुछ हमने डिज़ाइन किए। फिर हमारे जो बाकी के जो लोग थे, जो बाकी पाकिस्तानी मीडियम में काम कर रहे थे, उन्होंने भी इसको देखे तो अपने आप को चेंज लेके आए हैं, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आए हैं। अब उनको भी पता है कि भाई अब वो दकियानूसी स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही अच्छा बहुत है। अच्छा जी, आपका जो माशाल्लाह के छोटा स्टाफ भी है, उनकी भी मेहनत, कितने लोग माशाल्लाह, और इतनी दुआएं जब साथ हों तो अल्लाह ताला करम कर देते हैं माशाल्लाह। कोई मजेदार वाकया नहीं आपने शेयर किया, जैसे कहते हैं ना, जैसे हम बिहाइंड द स्क्रीन कहते हैं, जिनको हम ब्लूपर्स कहते हैं, कोई मजेदार वाकया हर रोज, जरा एक दो तो सुना ये दे। आप असल में आपको आप सरप्राइज ने ये रखा हुआ है कि ये बार बार ये मजेदार मजेदार और मीठी बातें भला क्यों कर रही है बुशरा, ये भी एक इसके पीछे भी एक सरप्राइज है। ये सारा मीठा ये बना के लेके आई और कुछ बाजार से लेके आई, तो ये बार बार कह रही है मीठी है, कोई इसको खाए और बताए बुशरा क्या कमाल आपने सेवैया बनाई, क्या कमाल बुशरा ये मिठाई कहाँ से लेके आई, इतनी शानदार मिठाई मैंने तो आज तक खाई नहीं, इतनी शानदार सेवैया तो मैंने आज तक खाई, ये बगैर खाई लग रही है, बहुत मजेदार। नहीं नहीं आप खा के देखिए, वाकई बहुत मजेदार, मीठी है, हमारी बातों की जैसे, बहुत मीठी है, बातों की जैसे मीठी है। जैसी शान साहब, अभी आसिम साहब ने अभी एक फरमाइश की कि आप अपने वालिद का कोई कलाम सुनाएं, तो अगर बिल्कुल जी, उन्होंने कहा एक कलाम के लिए, बाबा की, बाबा जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद किया था एक मैंने सॉन्ग उनके लिए किया था, जब भी याद आते थे तो याद आती है मैं उनके लिए स्पेशली, और लोगों ने बहुत सुना, प्यार किया, मैं आपको सुना जी जी प्लीज प्लीज। यादा
माशाल्लाह बहुत प्यारा गाना गाया, बहुत टची था। और ये वाकई जो है ना यादें, जब आपको बिछड़े हुए याद आ जाते हैं, जब आपको बिछड़े हुए अपने याद आते हैं, तो ईद का समा ऐसा एक मुबारक दिन है कि जब आपके कोई रूठे हुए हैं रिश्तेदार हैं तो उनको मनाएं, उनको गले लगाएं, और पिछली जिस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको भूल कर ईद मिलकर सेलिब्रेट करने का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है, मीठी मीठी बातें करने का नाम है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये खास मौका मेरे ख्याल में होता है कि जिसमें जो रूठे होते हैं आप उनको मना सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो मान जाए। और इन दिनों में मुझे लगता है ज्यादा ट्राई करना चाहिए, कि दिनों में जब कोई किसी के घर जाता है तो मेरे ख्याल में उसको जब मौका देता है ईद का तो ये तो जरूर करना चाहिए। जिशान साहब, ये चूंकि गाना गले का बड़ा सारा किरदार ही उसी का है, गले की कैसे हिफाजत करते हैं? हम जी माशाल्लाह सर देसी बंदे हैं, और ये जो हमारा फोक है ना जी, जो मैं समझता हूँ अपने हाथ, हम जो फोक सरायकी फोक या पंजाबी हो या कोई फोक जब हम करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ठंडी चीज़ों से रखते हैं। अचानक ये है कि अगर आप बैठे हुए एसी पे बैठे हुए हैं तो आप फौरन बाहर निकलते साथ गर्मी में जाएंगे, गर्मी से आप फौरन एसी में ठंड में आ जाएंगे, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यानी कि आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है इसमें ज़रूर, इसमें आपकी सेहत, ये तो आम रूटीन में भी मेरे ख्याल में आप देखें तो एसी से बाहर और बाहर से जब फौरन आप एसी में गर्मी से आते हैं उसमें फर्क पड़ता है, उसका ख्याल जरूर गले में पड़ता है। रियाज जरूरी है, रियाज उसमें हम इसलिए कि हम तकरीबन रोजों और उसके अलावा रोजों और मुहर्रम के अलावा हम आवाम में रहते हैं, रोजाना रात को हमें 2 से 3 घंटे हमें परफॉर्म लाइव करना होता है जी, प्रैक्टिस उसके अलावा भी प्रैक्टिस होती है। तो फोक है मेरे ख्याल में इतना नहीं, फोक आसान है, सादा सादा है, नीम क्लासिकल है, फुल क्लासिकल नहीं है, इसको आप गला आपका कुछ इधर उधर है भी सही तो आप परफॉर्म ये वो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो क्लासिकल हमारा टच है आपको उसके लिए, तो मुझे लगता है कि मैं करता नहीं हूँ वो, नीम क्लासिकल तक हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, लेकिन वैसे देखे तो बिल्कुल क्लास उनका वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और उनका ख्याल तो मतलब एक चीज को पालना है अपने गले को। तो आवाज से पता चल रहा है माशाल्लाह लाइव आप गा रहे हैं और इतना हसास होते हैं, प्यारा गा रहे हैं, आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं जी। बिल्कुल आसिम साहब, मुझे बताइए, जब मैं बात करती हूँ समर डिजिटल की, तो पिछले 6 महीने में आपने रैपिडली इतने माशाल्लाह टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? आई थिंक ये मोटिवेशन हमारी टीम के अंदर से आती है, स्पेशली जब आप यंगस्टर्स को देखते हैं, वो मेरी टीम के लोग सुबह आते हैं और उनका जाने का कोई टाइम नहीं होता, और मैंने स्पेशली हमारी जो हायरिंग है उसके अंदर जो रेशियो है मेल टू फीमेल दैट इज़ 40-60, सो उसके अंदर मुझे कभी भी फ़र्क नहीं फील हुआ कि जनाब मेरे पास फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है तो इनको वर्कलोड के ऊपर किसी तरह से मैनेज, क्रिएटिविटी उनकी ज़्यादा है नेचुरली, एस्थेटिकली फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर इन दैट, बट जब वो एफर्ट भी ज़्यादा कर रही होती है ना तो आपको होता है कि यार अगर ये इतना रात 12 बजे तक बैठ के एक शो का कर रहे हैं तो वाई कांट वी डू इट। फिर इसके अलावा जब आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है, हमने अभी आपने जिस तरह कहा ना कि रमज़ान ट्रांसमिशन में चैलेंजेस, हर एपिसोड चैलेंजिंग थी क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो इस्लामिक कंटेंट था
और उसके अंदर हमें कोई एक कॉल, कोई एक इशू, कोई एक फंबल भी जो है, वी कांट अफोर्ड दैट. लोगों के इमोशन सेंटीमेंट्स के बहुत करीब होते हैं और हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. उसके लिए आई सलूट माई टीम, माई प्रोड्यूसर ज़ारा स्पेशली, अमरोज, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया. आप लोग तो फेस ऑफ पाकिस्तान है जी, आप तो कितनी तारीफ हो रही तुम्हारी. नहीं नहीं मैं ये सवाल हम दोनों ने पहले सोचा था कि आपने मुझसे पूछ रहा है और मैंने ये जवाब दे रहा. नहीं नहीं मैं तो शुक्रगुजार हूं और आई एम सो थैंकफुल अपनी टीम का. ये सारी देखिए टीम और लीडरशिप की मोटिवेशन है. आपके जो लीडर्स की हायरार्की होती है वो आपको मोटिवेट करती है. और हम सबके सामने आज समर डिजिटल जहाँ पर जिस मुकाम पर है वो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स एंड फिगर्स जो भी हमने आपको दिखाई. दिस इज अ टीम वर्क जिस तरह आसिम साहब ने बात की. जी थैंक यू इसमें आप सबका और इसमें हमारी मैनेजमेंट. बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम फर्दे बाद कुछ नहीं होता, ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की टीम है. सर रोफी साहब ने भी बात की कि इवन जो एक चाय बनाने वाला शख्स भी है, अभी हम शो कर रहे हैं, एनर्जीज डाउन होती हैं तो चाय का एक कप आएगा, वी विल बी चार्ज्ड अप. तो ये सब ऐसे एक टीम है सारों की मिलके जी. माशाल्लाह हमारी टीम ही सर, हम जो अपनी अपनी फील्ड की, आपकी एक ही फील्ड है ये, माशाल्लाह आपको बेहतर पता है. अगर हम सॉन्ग करते हैं चाहे ऑडियो करें चाहे वीडियो करें तो उस टीम का होना बहुत ज़रूरी है. आप उसके अलावा कुछ भी नहीं. मैं अकेला गा के मैं क्या कर सकता हूँ जितने तक मेरे म्यूजिशियन, मेरा म्यूज़िक, मेरे कैमरा मैन, मेरे मतलब ये सब मिलके आपको आवाम तक पहुँचाते हैं, आवाम प्यार देती है. बिल्कुल ऐसी. अभी आपने जिक्र भी किया ना इस चीज़ का कि हम परदेशियों के लिए भी सॉन्ग गाते हैं हम. अब वो आपको फीडबैक आता है. अब मैं जहाँ तक सुनता हूँ तो आपके जो परदेशियों से रिलेटेड सॉन्ग है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर हुए हैं. तो वो अब परदेशी वो अपने आप को सुन के लगते हैं कि उन्हीं के बारे में, उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं. वो ये समझता है कि शायद ये ज़िशान साहब ने मेरी बात. सर ये तर्जुमानी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि तर्जुमानी की जाती है. ज़रूरी नहीं है कि सब की जा सके, लेकिन उसमें आवाम वो मौजूद होती है जिनकी वो हालात उस टाइम होते हैं. वो जब उनको दिल पे लगता है तो उन्हीं की वजह से वो इतना सुनते हैं, लोगों में वायरल भी वही लोग कर देते हैं. बहुत ही खूबसूरत गाने और हमें खुद भी बहुत पसंद है. आई इत ढोल नहीं आया वो सुना दीजिए. आई इत ढोल नहीं आया नहीं, इनको सराइकी आती जा रही है थोड़ी सी. जी बिल्कुल जी, परदेशी जो हमारे ईदों पे अपने मुल्क में अपने प्यारों में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए उनकी मोहब्बत में उनकी याद में एक प्यारा सा सॉन्ग. जी जी शुक्रिया दिशान भाई. बिल्कुल ले.
ईद का क्या? तो ये जो एक परदेसियों के लिए गाना है वो अगर आप सुना दें तो ईद के मौके ना मार घुमरा हाँ। नजर लग वैसी हाँ। मेरा निक्का जिया ढोला कोई ठग ले सी, मैं आपको सुना दूं, हमारा देसी टच है हाँ। आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला, आपको सुना देता जरा
आसा जाग लुटेरे, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत ही ईद का समाज जो है ना इस गाने ने बांध दिया आज, और भरपूर बांध दिया। सारे अंदर ला करो, आसा जाग लुटेरे, इसलिए बार बार आप मीडिया वाले हैं हम लोग, बड़ा डर डर के जो है ना इशारों को समझते हैं, और लुटेरे बार बार आ रहे हैं। जिशान साहब मुझे ये बताइए, आपके भाई भी गाते हैं, तो कभी ऐसे हुआ कि दोनों भाइयों में आपस में मुकाबलाबाजी हुई गाने को लेकर? सिंगर हजरात में होता है जी, लेकिन भाई है छोटा मेरे बाबा नीरे, अब मैं क्योंकि उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे भाई का नाम ताहिर रोखड़ी है, और बिल्कुल आज मेरा दिल था और कि वो ताहिर रोखड़ी आपके शो पे मौजूद हो, हमारे जो न्यू सॉन्ग हैं वो भी परफॉर्म कर सके, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वो कहीं गए हुए थे, इस वजह से नहीं आ सके, और कभी नहीं। छोटा भाई अगर उसका गाना कोई हिट हो, उसकी कोई टिकटॉक वायरल हो, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो अगर किसी को खुशी होगी तो मुझे होती है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो कि ये हमसे बड़ा बन के, हमसे ज़्यादा इसको इज़्ज़त मिले, क्योंकि सबसे छोटा हमारा भाई है वो, अल्लाह ताला उसको कामयाब, और माशाल्लाह उसके गाने वायरल होते हैं, बड़ा सोने दी चूड़ियाँ उसका वायरल है, इसके नया एक टिकटॉक पे गाना होता है सजना दी नौकरी जो आया हुआ है टिकटॉक पे वायरल है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला और बेहतरी करेगा। अच्छा, इसमें एक जो सब जो आपने गुफ्तगू की है ना कि अगर उसकी कामयाबी होगी तो अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा, हाँ मांगे जी बिल्कुल, इसमें कोई बहुत ज्यादा खुशी होगी, जब भी उसका उसको जब भी इज्जत मिल रही होती है, जब जो जहाँ जहाँ वो जाते हैं वीडियोज में देखते हैं, ये साथ होते हैं कभी ना कभी, तो एक खुशी सी होती है, क्योंकि बाबा चाहते थे कि ताहिर आए इस फील्ड में बाद में मेरे बाद, मेरी मम्मा जो है वो भी चाहती थी हमारा छोटा छोटा भाई, उसके लिए वो बड़ी दुआएं, और वो तो अल्लाह ने करम किया हुआ है, अल्लाह ताला उसको और कामयाबी माने। निशान भाई आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतने अपने जो बेहतरीन गाने हैं, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने मोहब्बत की, आपने बुलाया, आपकी पूरी टीम का, समा न्यूज का, सबका बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक, अल्लाह से दुआ है कि आप सब हंसते और मुस्कुराते रहें, और आवाम के लिए आप अच्छी अच्छी मालूमात भी और देखने के लिए अच्छे अच्छे फनकार, अच्छी अच्छी बातें आपकी जाती रहे, और आपके अच्छे अच्छे गाने जो है हम सुनते रहे हमेशा, सुनते रहे इंशाल्लाह ताला, मैं हाजिरी हमेशा, मेरी हाजिरी आपके पास रहेगी। और सर ये तो जिशान साहब ने वो पैगाम दिया ना सब लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या पैगाम है आने वाले 6 महीनों में? अच्छा, मेरा तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना इसको शो करवाए। जिशान साहब हमारे फनकार है, और जिस एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो जनूबी पंजाब है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, जितनी मिठास इस ज़ुबान के अंदर है, जितना कल्चरली रिच वो इलाका है, हम लोगों को चाहिए कि उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टीवी हो, उसको ऊपर लेके आए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में बड़े मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और किस मुल्क में नहीं होते, मैं अभी 3-4 साल बाहर रह के आया हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, हर माशरे में, हर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स है, वहीं के लोग उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉजिटिविटी को बाहर ऊपर उजागर करते हैं, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा लोग आएँ आपकी तरफ। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाएं तो आप बहुत ज़्यादा नुकताचीनी करते हैं, पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, सो इट्स अबाउट टाइम कि वी प्रमोट पॉजिटिविटी, चाहे वो इनके सॉन्ग्स में हो, जी बिल्कुल, एक सॉफ्टवेयर और एक अच्छी इमेज जो जेन्युइन है, जो रियल है, हम बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, अगर आप देखें हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को खोल के देखे, बस अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी फेंडिंग ऐसे होगी हुई है कि आपको एक्सट्रीमिस्ट और नेगेटिव माइंडेड दिखा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपका भी, आप तशरीफ लाए, और जिशान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपके तमाम जो देखने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, उनको भी आपकी तरफ से एक ईद का पैगाम, अपने ने जो देखने वाले हैं, जो परिस्तार हैं, उनके लिए कह दें ईद का पैगाम आप। ईद का पैगाम जी, सबको एक तो ईद मुबारक, और पैगाम इतना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अपने साथ वालों का, अपने प्यार करने वालों का, अपने करीबी लोगों का, दोस्तों का ख्याल रखिए, और उनके ज़िंदा होते हुए उनका ख्याल रखिए। जब भी कोई चला जाता है इस दुनिया से, हम हमेशा पीछे कह रहे होते हैं कि यार वो बहुत ही अच्छा इंसान था, ये वो, उसके सामने हम क्यों नहीं कह पाते, इज़हार क्यों नहीं कर पाते कि नहीं यार तुम बहुत अच्छे हो यार, कीमती है, कह दे दिल की बात, मतलब उससे टाइम, तो अपने देखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ढेरों दुआएँ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सुरखरू रखे, कामयाबियाँ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों को भी ईद की खुशियाँ एक मतलब से फिर मुबारक हो,
ईद का समा में आज के इस दिन में ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनके सुरीले गाने भी सुने हैं, इनका बहुत अच्छा पैगाम भी मिला। और सबसे अच्छा पैगाम, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कि एक, अगर इनके छोटे भाई इस गायकी में अगर तरक्की करते हैं और अगर वो नाम बनाते हैं तो अगर सबसे ज़्यादा किसी को खुशी होगी तो वो ज़ीशान की होगी। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम पैगाम कि अगर आप किसी की सलाहियत को देखते हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं तो ज़िंदगी में उसकी तारीफ करें, उसके सामने उसका इज़हार करें, बजाय इससे इसके पेशतर के देर हो जाए, फिर आप बाद में कहें उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की, रमज़ान का समा में आप सब ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो हमें कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का समा का सफ़र आज ईद का समा में आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर से। और आपकी मेज़बान बुशरा खान, आपकी मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान की तरफ से आज हम लेते हैं इजाज़त, फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अपने प्यारों के साथ ईद मनाइए और खुशियाँ बांटें और मीठी मीठी बातें कीजिए। ईद का समा की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।